तो गाइस आज हम सीखेंगे मिक्स वेजिटेबल पुलाव बनाना। इसके लिए आप 2 चम्मच ऑयल डाल लेंगे और 1 चम्मच देसी घी का, मतलब असील या जो भी देसी घी मिलता है उसका 1 चम्मच आप डाल लेंगे। इसके बाद हम कुछ मसालों को भुनेंगे। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, उन मसालों में पहले आप 2 कड़ी पत्ते ले लेंगे, 1 लौंग ले लेंगे, 1 बड़ी इलायची ले लेंगे और 2 छोटी इलायची ले लेंगे और 1 लाल मिर्च। ठीक है, ये कंटेंट को आप अच्छे से ब्राउन कर लेंगे जीरे के साथ। जीरा 1 छोटा चम्मच चाय का डालना है। जब ये 1 मिनट लगेगा इनको भुनने में, उसके बाद आपने 2 छोटे प्याज काट के डाल देने हैं, या अगर आपके पास 1 बड़ा प्याज है वो काट के डाल देने हैं। अब एज़ यूजुअल आपने प्याज़ों को ब्राउन होने देना है। ब्राउन होने के बाद, ब्राउन होने तक आपने ऐसे ही आग को मीडियम में रखना है। ब्राउन जब हो जाए तो आपने अदरक को कूट के अदरक को 2 हरी मिर्चों के साथ डाल देना है। ठीक है, इस वक्त अदरक का टेस्ट और हरी मिर्चों की मिर्च आनी बहुत ज़रूरी है, पुलाव में एक अलग सा टेस्ट आता है। अब आपने अदरक को भी 1 मिनट से ज़्यादा भूनना नहीं है, साथ ही आपने 2 कटे हुए टमाटर मीडियम साइज़ के डाल देने हैं। ठीक है, मीडियम साइज़ के डाल के थोड़ा सा हिला लेना है और हिलाने के बाद आपने इन्हें कवर कर देना है। ठीक है, कोई पानी शानी कुछ भी नहीं डालना है, टमाटरों का ही पानी जो है वो निकलेगा। आपने इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए कवर करना है। 5 मिनट बाद आप जब इसे उठाएंगे तो आपने चम्मच के साथ जो आपने टमाटर डाले हैं उनको आप पीस लेंगे या प्रेस कर देंगे, मैश कर देंगे। ठीक है, मैश करने के बाद आप फिर से इसे 1 ही मिनट के लिए कवर करेंगे। 1 मिनट के लिए कवर इसलिए करेंगे कि जो मैश टोमेटोज होते हैं उनका जो पानी होता है वो इस हीट पे, मीडियम हीट पे सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट कवर से ही ऊपर आ जाता है, मतलब आपके जो कवर है उसके साथ आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे जैसे आप देख रहे हैं, चम्मच से टमाटो को अच्छे से पीस लीजिए और उसके बाद सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए आपने कवर कर लेना। याद रखिए कोई एक्स्ट्रा मसाला या पानी नहीं डाला है। ओके, 2 मिनट बाद आपने ढक्कन उठाया। ढक्कन उठाएंगे तो अब आपके जो टोमेटो आपने पीसे थे वो अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अब इनमें आप 1 आलू बड़े साइज़ का ऐसे छोटा छोटा काट के आप डाल देंगे, मतलब मीडियम साइज़, ज़्यादा छोटा नहीं ज़्यादा बड़ा नहीं आलू होना चाहिए आपका। ठीक है, आपने इसी साइज़ में, जैसे वीडियो में दिखा रहे इसी साइज़ में आपने काट के डाल देना है। डाल के अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। आलूओं को जब भी आप मसाले में मिक्स करें, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप ऊपर से धनिया पाउडर ज़रूर डालिए। तो यहाँ पे हम धनिया पाउडर डालेंगे 1 चाय का चम्मच, और आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन 2 चाय के चम्मच डाले थे और उससे क्या होता है कि आलूओं में एक टेस्ट भी आ जाता है। उसके साथ आलू की भुनाई करें तो मतलब आलूओं में ज़्यादा टेस्ट आता है बनिस्बत सिर्फ टमाटर के साथ उसे भूनने से। तो अब आपने ये डाल दिया है धनिया पाउडर, अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आपने इस पे बिल्कुल 3/4 ग्लास जिसमें आप जूस वूस पीते हैं उतना पानी आपने डालना है, और इसको आपने 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो आंच पे रख देना है। ठीक है, मीडियम टू लो आंच पे रख के जब आप उठाएंगे 10 मिनट बाद तो आपका पानी जो है सूख चुका होगा। अब जब आपका पानी सूख गया है, अब आपने इसको अच्छे से हिला लेना है, और चावल, क्योंकि हम पुलाव बना रहे हैं तो चावलों को आपने आधा घंटा पहले अच्छे से साफ़ करके भिगो के रख देना है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि मैंने चावलों की कितनी क्वांटिटी यूज़ की थी। ठीक है, इस टाइम पे आके जब ये मसाला आलू आप बना रहे होंगे तो आपको तकरीबन 20 मिनट हो जाएंगे। उसके बाद आपने अच्छे से पानी ड्रेन करके चावलों से आपने इसके ऊपर चावल डाल देने हैं, और चावलों के ऊपर 1 छोटा चम्मच देसी घी का ज़रूर डालना है गर्म मसाले के साथ। तो 1/2 चम्मच चाय का गर्म मसाला डाल दिया आपने, और फिर आपने 1 चम्मच जो है वो देसी घी का छोटा चम्मच डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, बड़े आहिस्ता से, ताकि चावल टूटे ना साइडों से। वीडियो क्योंकि तेज़ चल रही है तो आपको लगेगा कि सख्त हाथ है, लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से आपने इनको मिक्स कर लेना है। अब हमने डाले हैं फ्रोज़न मिक्स वेजिटेबल। अगर आपके पास मिक्स वेजिटेबल फ्रेश आप डाल रहे हैं, जैसे खाली मटर भी आप डाल सकते हैं आलूओं के साथ, तो वो आप तब डालेंगे जब आपने आलू डाले थे। ठीक है, अगर आपके पास फ्रोज़न है तो आप इस टाइम पे आके फ्रोज़न डालेंगे। अब ये जो आप कप देख रहे हैं, इसके हम लोग डाल रहे हैं तकरीबन 6 गिलास पानी के हमने डालने हैं। 6 गिलास पानी के क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि इसी कप के मुताबिक 3 गिलास हमने चावल लिए थे। ठीक है, जब हमने भिगोए थे
तो अगर आप 3 कप चावल ले रहे हैं तो डबल क्वांटिटी का पानी डालना ज़रूरी है। अब पानी डालने के बाद आपने हल्की सी धनिया की गार्निशिंग करनी है और 1 चम्मच बड़ा चम्मच आपने नमक का ज़रूर डालना है। इस टाइम पे नमक डालना है जब पानी डला हुआ है, ठीक है। आपने 1 चम्मच नमक का डाल के इसे फिर से बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब आपने इसे बॉईल पे लेके आना है। कवर शवर कुछ भी नहीं करना है, आपने इस मिक्सचर को बॉईल पे लेके आना है, मतलब मीडियम से ज़्यादा आँच करके मीडियम टू हाई आँच पे इसे बॉईल पे लाना है। अब जब आप देख रहे हैं इसमें ऐसा बॉईल आ जाए और थोड़ा और सूख जाए, मतलब बिल्कुल थोड़ा 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 बॉईल रहना चाहिए, ठीक है। इसे फुल बॉईल पे जैसे अब ये आ गया है, पानी ड्राई हो रहा है, जैसे आप देख रहे हैं पानी ड्राई हो रहा है, तो आपने अब इसे कवर दे देना है 8 से 10 मिनट के लिए, सिर्फ 8 से 10 मिनट के लिए कवर देना है। उसके बाद जब आप कवर हटाएंगे तो आप देखेंगे कि पानी काफ़ी ड्राई हो चुका है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी है। मिक्स करते वक्त आप देख रहे हैं कि बिल्कुल हल्का सा पानी है। इस टाइम पे आके आपने फिर से धनिया की गार्निशिंग करनी है थोड़ी सी, क्योंकि अब हम इसे दम पे लगाएंगे। दम पे लगाने के लिए 2 तरीके हैं। एक, इसी कढ़ाई को आप हल्की आँच में रख दें। ये जो लाल आप देख रहे हैं ये फूड कलर है, वो आपकी मर्ज़ी, आप डाल सकते हैं। तो दम पे लगाने के लिए आप इसी कढ़ाई को बिल्कुल हल्की आंच पे लगा दीजिए 15 मिनट के लिए, या तो आप एक तवा नीचे रख के ऊपर आप इसके कढ़ाई रख के तो 20 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे आप दम लगा देंगे, एयर टाइट कर देंगे। मैंने यहाँ पे फॉइल यूज़ किया है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एयर टाइट होना चाहिए। 15 से 20 मिनट के बाद जब आप ढक्कन खोलेंगे, अपना दम खोलेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके राइस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, ठीक है। याद रखिएगा, आग बहुत लो होनी चाहिए, मतलब दम वाली आग होनी चाहिए, ठीक है। तो 15 मिनट में आपके राइस और आपके पुलाव, जो मिक्स वेजिटेबल पुलाव है, बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हो जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि हम इसे डिश आउट कर रहे हैं। डिश आउट करते वक्त भी बहुत बहुत प्यारे, एक एक चावल अलग अलग और माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपने इसी तरीके से बनाए और आपका टेस्ट कैसा आया। आई एम वेरी श्योर कि बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा।